एलिमेंट्स ऑफ पिक्चर ट्यूब। देखिए, जो मोनोक्रोम पिक्चर ट्यूब्स होती हैं उसके एलिमेंट्स की आज हम बात करेंगे। ये एक इवेक्यूएटेड ग्लास एनवलॉप होता है। ये ग्लास एनवलॉप होता है जो कि इवेक्यूएटेड होता है। पीछे एक बेस लगा होता है और जो फ्रंट है, जो बेस के साथ है, कैथोड, जिसे के से डिनोट किया गया है, कैथोड कनेक्टेड होता है। इसमें क्या होगा, जो कैथोड होगा वो इंडायरेक्टली हीट किया जाता है हीटर के थ्रू। सिलेंडर होता है निकिल का, जो एक साइड से कोटेड होता है टंगस्टन से या फिर बेरियम से। इसमें क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करता है, हीट, कैथोड हीट होता है और हीटअप्स होने से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एमिट होते हैं। सफिशियंट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्टीम की वजह से जो प्रोड्यूस होते हैं और ट्यूब में फॉरवर्ड जो है मूव करते हैं। नेक्स्ट है कंट्रोल ग्रिड, जिसे G1 भी बोला गया है। ग्रिड 1, ग्रिड नंबर 1 बोला जाता है। ये मेंटेन करती है नेगेटिव पोटेंशियल को कैथोड के रिस्पेक्ट में। जो भी नेगेटिव पोटेंशियल होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नेगेटिव पोटेंशियल होता है, जो उन्हें मेंटेन करती है और कंट्रोल करती है कैथोड से जो इलेक्ट्रॉन आते हैं उसके फ्लो को। नेक्स्ट होती है, इसको G1 से डिनोट किया गया है। नेक्स्ट है G2, ये हमारी एक्सेलरेटिंग एनोड होती है। देखिए, ये जो ग्रिड होती है कंट्रोल ग्रिड के आगे लगी होती है, एक्सेलरेटिंग स्क्रीन ग्रिड जिसे बोलते हैं, G2 से जिसे डिनोट किया गया है। ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करती है। ये हमारी एनोड की तरह वर्क करती है, जिसे फर्स्ट एनोड बोला जाता है ग्रिड नंबर 2 को। नेक्स्ट होती है G3, ये भी हमारी ग्रिड होती है। ये होती है फोकसिंग ग्रिड, क्या करती है, फोकस करती है इलेक्ट्रॉन को, उन्हें स्पीड प्रोवाइड करती है ताकि इलेक्ट्रॉन शार्पली पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाएं और हिट करें स्क्रीन पे जो भी पिक्सल्स हैं उन पे, ताकि उसमें ब्राइटनेस प्रोड्यूस हो। इसमें क्या होता है कि ये जो ग्रिड्स होती है ना, ग्रिड नंबर 2 और ग्रिड नंबर 3, यानी एक्सेलरेटिंग ग्रिड और फोकसिंग ग्रिड, ये मेंटेन करती है पॉजिटिव पोटेंशियल को कैथोड के रिस्पेक्ट में। यानी कि इसमें +20 200 वोल्ट और +600 वोल्ट का पोटेंशियल होता है। और इसके अलावा ये होते हैं हमारे डिफ्लेक्शन यॉक्स, ये करती है डिफ्लेक्शन वेल्डिंग, इसमें होती है जो डिफ्लेक्शन करने का काम करती है, यानी कि हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली डिफ्लेक्शन करती है। जो हमारी स्क्रीन होती है अप टू डाउन ट्रेस होती है और वर्टिकल और हॉरिजॉन्टली और डाउन से टॉप की तरफ जाती है, फिर से रिट्रेस होके फील्ड, यानी एक फ्रेम में टू फील्ड वाइज उन्हें ट्रेस करती है। ये तो हमारी डिफ्लेक्शन यॉक्स होती हैं। इसके अंदर एक कोटिड होती है जिसे इनर एक्वा कंडक्टिव कोटिंग बोलते हैं। ये 18 के वोल्ट की होगी। देखिए, इसमें ये डिपेंड करती है, इसका ये हम बताएंगे आगे कि इसकी जो इस पे जो पोटेंशियल, जो भी हमारी हाई वोल्टेज होती है 18 के वोल्ट की, वो डिपेंड करती है, यानी कि ट्यूब के ऊपर डिपेंड करती है कि उस पे कितनी सप्लाई जाएगी। नेक्स्ट है इसके जो फ्रंट होता है, जहाँ पे स्क्रीन आती है, इसमें 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे जो इनर वाला पार्ट होता है उसे वो एल्यूमिनियम कोटेड होता है। ये वाला पार्ट एल्यूमिनियम कोटेड होगा। जो इनर पार्ट, इसके बाद वाला पार्ट होगा, वो फॉस्फोर कोटिंग होगा, उसमें फॉस्फोर कोटिंग होगी। और जो सबसे बाहर वाला पार्ट होता है, ये वाला पार्ट, ये एक ग्लास फेस प्लेट होती है जो कि एक ग्लास की होती है। ये हमारे एलिमेंट्स होते हैं जो हमारे पिक्चर ट्यूब के। अब इसकी वर्किंग देखते हैं। देखिए, इसमें क्या होगा, सबसे पहले होती है हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोकसिंग। इसमें देखिए, ये EHT, इसमें क्या होता है, हाई वोल्टेज, जो ये जो कोटिंग होती है ना, इनर कोटिंग, फाइनल एनोड होता है, ये इसके साथ कनेक्टेड होते हैं, जो 18 किलो वोल्ट की से सप्लाई प्रोवाइड की जाती है। सबसे पहले हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोकसिंग देखेंगे। जब कैथोड हीट होता है तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करता है कंट्रोल ग्रिड के थ्रू। कंट्रोल ग्रिड जिसमें एक होल होता है और उसमें से इलेक्ट्रॉन पास होते हैं। कंट्रोल ग्रिड जो कि मेंटेन करता है, कंट्रोल करता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, और जो नेगेटिव पोटेंशियल होता है कैथोड के रिस्पेक्ट में उन्हें मेंटेन करता है। तो यहाँ से क्या होगा,
कैथोड से इलेक्ट्रॉन एमिट होना स्टार्ट होते हैं और ये फॉरवर्ड मूव करते हैं। इसमें क्या होगा कि जो हमारी ये जी टू है, ग्रिड नंबर टू एसोलेटिंग एनोड होती है, इसे फर्स्ट एनोड बोला जाता है। एसोलेटिंग ग्रिड जो होती है जी टू ग्रिड, इसमें क्या होता है कि पॉजिटिव पोटेंशियल होता है। ये जो चीज़ होती है इसमें पॉजिटिव पोटेंशियल होता है। जो सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें से, इसमें टिनी स्पॉट होता है, यानी सर्कल सा होता है जिसमें से इलेक्ट्रॉन आगे की साइड मूव करते हैं। इसमें क्या होगा कि जो टाइनी स्पॉट होता है इसे क्रॉस ओवर बोलते हैं, जिसे फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक लेंस एक्शन बोला जाता है। इसमें क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक्सेलरेटिंग ग्रिड की तरफ मूव करते हैं। एक्सेलरेटिंग ग्रिड जिसपे एक पॉजिटिव पोटेंशियल होता है और इलेक्ट्रॉन इसमें थोड़ा यहाँ इसमें आके थोड़ा सा फैल जाते हैं। ये करते हैं इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेशन प्रोवाइड करती है। देखिए एक्सेलरेशन जब होगी तो वो क्या करेगी कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें स्पीड प्रोवाइड करती है। और क्या करेगी कि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आएंगे और थोड़ा सा स्ट्रेच हो जाएंगे, फैल जाएंगे, और लेकिन उसको स्पीड प्रोवाइड करेगी। इसके जो सर्कल होता है वो फॉक्सिंग एनोड यानी जो सेकंड एनोड उसके कंपैरिजन में थोड़ा छोटा होता है। जो फॉक्सिंग एनोड होता है इसका सर्कल थोड़ा बड़ा होता है एक्सेलरेटिंग एनोड के कंपैरिजन में। ये भी हमारी एनोड होती है और इस पे फॉक्सिंग एनोड पे एक्सेलरेटिंग एनोड के कंपैरिजन में ज्यादा पोटेंशियल होता है। ये करेगा एक्सेलरेटिंग एनोड एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा यानी मूवमेंट प्रोवाइड करेगा इलेक्ट्रॉन्स को। तो क्या करें फोकस, जब इलेक्ट्रॉन्स फोकस एनोड पे जाएंगे तो क्या करें फोकस करेगा इलेक्ट्रॉन्स को, यानी इलेक्ट्रॉन्स को एक पर्टिकुलर पाथ प्रोवाइड करेगा कि वो स्ट्राइक हो एक ही जगह जाके, उनको फैलने से रोकेगा और वो फोकस करके उसे स्पीड प्रोवाइड करेगा। ये जो इलेक्ट्रॉन्स है बहुत ही हाई स्पीड पे जो ट्यूब में मूव करते हैं। इसके बाद जो हमारी आती है वो आती है हमारी बीम वेलोसिटी। देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन्स जो फाइनल एनोड से पास होते हुए स्क्रीन की तरफ मूव करते हैं, इसके बीच में भी इन्हें बहुत सारी चीजों को फेस करना पड़ता है। इलेक्ट्रॉन की एक अपनी पर्टिकुलर वेलोसिटी होती है, जब वो यानी जब वो स्क्रीन में से यहाँ से मूव करते हैं तो इनकी वेलोसिटी होती है जिसपे वे मूव करते हैं, इनकी इनके पास एक एनर्जी होती है। किसकी वजह से? एक तो एक्सेलरेटिंग एनोड और फॉक्सिंग एनोड यानी ग्रिड टू और ग्रिड थ्री की वजह से। क्या होता है कि इसके अंदर एक कंडक्टिव कोटिंग होगी, जैसे कि हमने कहा था ये कंडक्टिव कोटिंग है, इनर एक्वाडैग कंडक्टिव कोटिंग जिसे बोला जाता है। ये नेक पे होती है, जो ट्यूब होती है उसकी नेक पे होती है। ये जो कोटिंग होती है इसे एक्वाडैग बोला जाता है। सिर्फ हाफ नेक में, पूरे में नहीं बनी होती, ये सिर्फ हाफ नेक में ही बनी होती है। इसमें क्या होता है ये स्पेशली इसमें प्रोवाइड की जाती है और इसमें एक एनर्जी होती है, जैसे कि 18 के वोल्ट की यहाँ पे इसके साथ एनर्जी है, हाई वोल्टेज है 18 के वोल्ट की इस पे। और इस पे ये फाइनल एनोड इसे बोला जाता है। देखिए ये जो सप्लाई होगी, जो पोटेंशियल होगा, हाई पोटेंशियल होगा, वो डिपेंड करता है जो ट्यूब है वो कितनी बड़ी है। अगर ट्यूब 48 सेंटीमीटर की है तब ये जो कोटिंग होगी हाई वोल्टेज जो इस पे प्रोवाइड की जाएगी वो 18 के वोल्ट की होगी, और अदरवाइज ये 15 के वोल्ट की भी होती है अगर 48 सेंटीमीटर से ट्यूब छोटी होती है। इस चीज़ पर डिपेंड करती है, जो भी इसकी फील्ड होती है, जो इसकी एनर्जी होती है हाई वोल्टेज, वो इस चीज़ पर डिपेंड करती है कि ट्यूब का साइज कितना है। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक्सेलरेट करते हैं ट्यूब में, और इसमें क्या होता है कि हाई वोल्टेज एनोड होगा और हाई वेलोसिटी होगी। लेकिन जब देखिए क्या होगा कि अगर जिसकी ये जो कोटिंग है 18 के वोल्ट, अगर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी ज़्यादा नहीं होगी तो इलेक्ट्रॉन स्प्रेड हो जाएंगे, मतलब कि वो ट्यूब तक पहुँचेंगे ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे भी हमने पोटेंशियल प्रोवाइड किया हुआ है इसे। तो जो ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो स्ट्रेट जाते हैं और अब जो उनके पिक्सल्स होते हैं उन पर स्ट्राइक करते हैं। वो क्या करते हैं, जो पॉजिटिव कोटिंग होती होगी उसके साथ कोलाइड नहीं होते। इसका भी एक रीजन है, क्योंकि जो हमारी इलेक्ट्रॉन्स जो पीछे से आ रहे होते हैं उनके पास एक पर्टिकुलर एक्सेलरेशन होती है,
उनकी वेलोसिटी पहले ही बढ़ जाती है। उसमें इलेक्ट्रॉन्स में काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स जब वो डिलीवर होते हैं और वो फॉस्फोर कोटिंग तक पहुंचते हैं, स्क्रीन तक पहुंचते हैं, उनमें एक एनर्जी आ जाती है। देखिए ये जो कोटिंग होती है ये क्यों प्रोवाइड की जाती है, सबसे बड़ी बात है कि इसका क्यों प्रोवाइड किया जाता है। इसमें देखिए कि इसकी हाई वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन्स की बहुत हाई वेलोसिटी होती है जब वो स्क्रीन पे हिट होते हैं, और उसे सेकेंडरी एमिशन बोला जाता है। सेकेंडरी एमिशन टेक प्लेस होता है, यानी वो यहाँ पे नहीं कोलाइड करते, जब बहुत हाई वेलोसिटी से आते हैं स्क्रीन पे जाते हैं और इससे स्क्रीन पे सेकेंडरी एमिशन जो होता है वो प्रोड्यूस होता है। और अगर ये जो सेकेंडरी एमिशन है ये कलेक्टेड नहीं होगा तो नेगेटिव स्पेस चार्ज जो होंगे वो स्क्रीन के आसपास बन जाते हैं। तो ये जो कोटिंग की जाती है एक्वाडेक कोटिंग, ये जो एक्स्ट्रा चार्ज होते हैं प्रिवेंट करती है कि जो हमारे चार्ज जो जरूरी नहीं है उनसे प्रिवेंट करती है, ताकि और जो प्राइमरी बीम होगी उसे प्रिवेंट करेगी कि जो एक्स्ट्रा चार्ज है वो स्क्रीन तक ना जाए। इसी वजह से ही ये कोटिंग लगाई जाती है। कंडक्टिव कोटिंग इसका बहुत हाई जो पॉजिटिव पोटेंशियल होता है, और जो सेकेंडरी एमिशन होता है इलेक्ट्रॉन्स का, जो कि अनवांटेड सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें रिमूव कर देता है। इस वजह से ही ये कोटिंग लगाई जाती है जो कि बहुत ही जरूरी होती है। और इसकी जो एनर्जी होती है ये ट्यूब के साइज पे डिपेंड करती है। और बाकी तो हम अपने पिछले टॉपिक्स में करते ही आ रहे हैं, जो डिफ्लेक्शन वेल्डिंग्स होती हैं, डिफ्लेक्शन कॉइल्स होती हैं, उनका काम क्या होता है, डिफ्लेक्ट करना हॉरिजॉन्टल से अप टू डाउन वर्टिकली और लेफ्ट टू राइट हॉरिजॉन्टली, तो फिर डाउन से अप फिर वर्टिकल रिट्रेसड्यूरेशन में, ये सब ये जो होती है हमें डिफ्लेक्शन वेल्डिंग होती है वो करती है। नेक्स्ट टॉपिक में हम डिफ्लेक्शन योक्स करेंगे कि डिफ्लेक्शन योक्स क्या होती है और इनका क्या काम होता है। थैंक यू। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियो के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पर सब्सक्राइब कर सकते हैं।